जन्माष्टमी की हम आपको सजावट दिखाने के लिए आ चुके हैं। ये 55 में सजाया गया है, देखो कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है इसको, पूरा लाइट से सजा दिया गया है मंदिर। आप देख सकते हो कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है इस मंदिर को। आपको हम अंदर से भी दिखाने की कोशिश करते हैं, आप देख सकते हो कितना सुंदर सजा, ये देख सकते हो आप कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। मैं आपको अंदर तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना सुंदर सजाया गया जन्माष्टमी के मौके पर। जो 2 साल से हम लोग कोई पर्व नहीं मना पा रहे थे, इस बार लोगों ने जोर शोर से मनाने की कोशिश की है इस जन्माष्टमी को भी। आप हर एक फेस्टिवल को लोग जोर शोर से धूमधाम से मना रहे हैं, आप देख सकते हो लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर। कल की तैयारी आज ही चालू, क्या कर रहे हो? बहुत ही सुंदर सजाया गया है। तो दोस्तों अब हम सेक्टर 19 भी आ चुके हैं और सेक्टर 19 में आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सजाया गया है इस जगह को। तो अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे अंदर से कि कैसा व्यू है इसका पूरा, तो अंदर चलते हैं देखते हैं। तो दोस्तों अब सेक्टर 19 में आ चुके हैं हम लोग और देखिए कितना अच्छा सजाया गया है इस मंदिर को भी। हम आपको पूरा अंदर तक मंदिर का दर्शन दिखाएंगे कि कैसा लुक है यहाँ का। तो हम लोग चलते हैं अब। कितना सुंदर सजाया गया है मंदिर को, अभी सजावट चल ही रही है कल की, ये पूरा तैयारियां चल रही हैं मंदिर की। जो सजावट होती है मंदिर की मैं हम लोग आपको वही कवरेज करके दिखा रहे हैं कि लोग कितनी मेहनत करके मंदिर को सजा रहे हैं। रात भर लगे हुए हैं, रात के 10:30 बजने जा रहे हैं और लोग लगे हुए हैं मंदिर को सजाने में पूरा जन्माष्टमी के लिए। और भी हम दिखा रहे हैं आपको लाइटिंग कितनी सुंदर है यहाँ की, बहुत ही सुंदर सजाया गया है मंदिर को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। पूरा आप देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है लाइटिंग का, लाइटिंग के जरिए पूरे ऐसा दिवाली के समय मौका लगता है लाइटिंग देखने का। जन्माष्टमी में भी पूरा सजाया गया है लाइटिंग के जरिए, आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर ये हमारा कितना प्यारा व्यू है। अब मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ कितना अच्छा व्यू आएगा। इस व्यू को आप लोग क्या कहोगे, ऐसा लग रहा है जैसे हम तारों के बीच में आ गए हैं और तारों के नीचे चल रहे हैं और हम आप व्यू देख सकते हो यहाँ पर, कितना प्यारा व्यू है और एक अलग ही फील हो रहा है यहाँ इसके अंदर चलने में, एक अच्छा सा महसूस हो रहा है। आपको हम दिखाते जा रहे हैं पूरा और कवरेज हम करते जा रहे हैं। अभी आपको इसके बाद हम उसको फेरा जरूर लेके चलेंगे। ये है हमारा नोएडा का इस्कॉन टेम्पल है जिसे इतने अच्छे तरीके से सजाया गया है, ये कल तो और मज़ा आएगा देखने में लोगों को। और हम आपको सिर्फ इसका देखते जाओ व्यू आप। तो अब हम थोड़ा सा आप देख सकते हो कितना सुंदर सजाया गया है इसको, इस्कॉन टेम्पल देखते ही बन रहा है। तो लाइट के जरिए पूरा सजाया गया है इसको पूरा, इतना सुंदर सजाया गया है। अभी हम आपको अंदर भी लेकर चलने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सुंदर सजाया गया है,
तो दोस्तों अब नोएडा को छोड़ के हम दिल्ली आ चुके हैं। दिल्ली में अब आप देख सकते हो ये ईस्ट ऑफ कैलाश का इस्कॉन टेम्पल है, कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से बोर्ड लगाए गए हैं और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, आपको हम पूरा रिव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कल जगह जगह जन्माष्टमी पर घूम सकें और देख सकें कि कहाँ पर जन्माष्टमी की कितनी अच्छी अच्छी झांकियाँ लगी हुई हैं। आप वहाँ जा सकते हैं। मैंने आपको ईस्ट ऑफ कैलाश, नोएडा, इन सब जगहों का रिव्यू दिया है। आप देख सकते हैं जाके कितना अच्छा वहाँ पर देख के मिलेगा आपको। और आप चलते रहिए हमारे साथ, मैं हम इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं अब और हम देखते हैं। दोस्तों अब हम मेन गेट पे आ चुके हैं और आप देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। पूरे लाइटिंग से गेट को एकदम सुंदर तरीके से बनाया गया है और अंदर भी हम चल रहे हैं अब और देखते हैं अंदर कैसी सजावट है। आप हमारे साथ बने रहें और इसको देखते रहें कि कैसा लुक है हमारा। तो बस यहीं पर हम अब आपको अपना रिव्यू देते रहते हैं और देखते रहें। आप हमारे साथ, हम अंदर चल रहे हैं अब।